नमस्ते, मैं देवीदास गायकवाड़ प्रबोधन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे लायंस क्लब नई मुंबई डायमंड के प्रेसिडेंट जॉय आशीष मेहत्रा जी से। मेहत्रा जी, प्रबोधन में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। मेहत्रा जी, आप मुझे बताइए कि लायंस क्लब जो है एक क्लब है, वो विश्व स्तर पर एक बड़ा क्लब है जी। इस क्लब से आप कब और कैसे जुड़े, क्या बताएंगे? मैं ये क्लब से जुड़ा हूँ सन 2015 से। इसका माध्यम है श्रीपद जोशी जी, जो कि जीएम है एलएनटी इंफोटेक लिमिटेड में। बतौर सीएम है उनका ऑडिटर हूँ पिछले 10 साल से। सर्विस टैक्स, वैट और जीएसटी का ऑडिट करता था। तो पहले इनके साथ में जुड़ा काम के माध्यम से, तब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे लायंस क्लब ऑफ नवी मुंबई डायमंड से। अच्छा। तो मैं छोटे मोटे चैरिटी के काम किया करता था अपने पर्सनल लेवल पे, मेरे मम्मी पापा के बरसी में और ये सब काम। अच्छा। तो उनके ध्यान में ये सब चीजें रहते हुए उन्होंने मुझे फोर्स किया उस वक्त कि आप लायंस क्लब में मेंबर बनिए, क्योंकि वो मुझे इस स्तर पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाना चाहते थे कि वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, लायंस क्लब वहां वहां पहुंच सकता है। फाइनेंशियली एक सीमित तरीका था मेरे पास कि साल में 1-2 लाख रुपए का मैं पर्सनल तौर पे चैरिटी एक्टिविटीज करूं। अच्छा। तो ये क्लब में उन्होंने मुझे मेंबर बना के ऐसा काबिलियत दिया कि मैं 15-20 लाख रुपए का पर एनम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सही जगह पे सही तरीके से पैसे खर्च करके मैं लायंस क्लब के माध्यम से रिकॉग्निशन भी मिलता है और एक ब्रांडिंग भी मिलता है और लोग सीरियसली लेते हैं कि हाँ सही में ये इंसान चैरिटी का काम करने आया है, क्योंकि लायंस क्लब से है। लायंस क्लब से जुड़ने से पहले आप क्या करते थे? लायंस क्लब में जुड़ने से पहले जो चैरिटी के काम या सोशल एक्टिविटीज में करता था, मेरे मम्मी पापा के बरसी पे मैं कभी भी पूजा नहीं करता हूँ। मैं वो पूजा में जो खर्चा होता था 20-30 हजार, उसका फूड आइटम्स या फूड ग्रेन्स खरीद के मैं ओल्ड एज होम्स में दान किया करता था। अच्छा। जैसे पिताजी का बरसी है 3 सितंबर को, मम्मी का 25 मई को, तो ये दोनों दिन कम से कम पूजा में 100 लोगों को भोजन कराने में पंडित लोगों को 30-40-50 हजार रुपए खर्चा होता है। तो वो खर्चा मैं यहाँ पे करता था कि ओल्ड एज होम में जाके मैं ये डोनेशन किया करता था यही अमाउंट का। अच्छा। ताकि मतलब सोशल वर्क करने के लिए जो सोच रहनी चाहिए। हाँ। वो सोच आपके दिन में पहले से ही थी। और ये सब हमने मेरे मम्मी पापा से ही सीखा है। उन्होंने भी कभी भी अपने मम्मी पापा का बरसी नहीं किया। उन्होंने भी वाराणसी में विडोज होम में, कलकत्ता में ऑर्फनेज में अपने मम्मी पापा के बरसी में जाके वो लोग डोनेट करते थे। तो बचपन से ही एक ऐसा वातावरण था घर में कि ये सब फालतू खर्चा करने से अच्छा पंडितों को खिलाने के बदले आप जहाँ पे जरूरत है वहां पे जाके आप ये एक्टिविटीज या कार्य करें। जैसे बोलते है कि जहाँ जिसको भूख लगे उसको भोजन दो। हाँ। प्लस कलकत्ता में एक ऑर्फनेज है, अनाथालय है, जिनके 3 बच्चों को हमने गोद लिया हुआ है, मैंने और वाइफ ने पिछले 10 साल से। क्या बात है। उनका महीने का 12,000 रुपए का जो खर्चा है पढ़ाई का, चाहे कुछ भी हो जाए 5 तारीख के अंदर मैं और वाइफ वहाँ पे पिछले 10 साल से ये ऐसा पर्सनल खर्चा कर रहे हैं। पर्सनल खर्चा हम लोग कर रहे हैं लायंस क्लब में आने के पहले। यही थोड़ा माध्यम से हम लोग ऐसा, मतलब वो सोच आपके दिल में थी जी। मुझे बताइए कि लायंस क्लब ये जो क्लब है, उससे जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? जुड़ने के पहले ऐसा था कि मुझे 1 या 2 ऑर्गेनाइजेशंस पता रहता था कि जहाँ पे लग सकते हैं, जैसे एक ओल्ड एज होम हो गया उदाहरण के तौर पे पनवेल में या कोपरखैरमे में या कल्याण में, तो ये 2-3 जगह ही मैं जा पाता था या गूगल सर्च करके देखता था कि कोई ऑर्फनेज है जहाँ पे ये कार्य कर सकते हैं या कलकत्ता में जो कर रहे हो यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक सीमित सोच था, पर करने के लिए जज्बा ज्यादा था कि और कुछ करना है। तो ये लायंस क्लब के पहले का ये था। और प्लस लोगों को पता नहीं होता था सही ऑर्गेनाइजेशंस को कि मैं कुछ चैरिटी या सोशल एक्टिविटीज कर रहा हूँ, तो कोई मेरे पास आता नहीं था रिक्वायरमेंट लेके कि आप हमको मदद करें।
लायंस क्लब में जॉब। आपने ये चूज कैसे किया फिर? ये चूज इसीलिए किया मैंने, एक तो श्रीपद जोशी जी के वजह से, इसमें प्लस अदर मेंबर्स हैं, ज्योति नार्वेकर मैडम है, लोरेन डिसूजा जी है, कुंतल लड्ढा मैडम है, कनकलता तिवारी मैडम है, इनसे मैं थोड़ा थोड़ा परिचय रखता था। तो ये लोग लायंस क्लब में बहुत ऊंचे पोस्ट में है, कैबिनेट मेंबर्स है, काफी इंटरनेशनल उनके प्रेजेंसेस है, तो इनको मैं देखता था कि ये लोग 100 चीजें एक महीने में करते थे पूरे प्लानिंग के साथ और लाखों रुपए का डोनेशन करते थे। ऐसा लगता था कि ये लोग 100 एक्टिविटीज कर रहे हैं वही पैसे से, और मैं वही पैसे से सिर्फ 4 ही एक्टिविटीज कर रहा हूँ। तो ये फर्क है ज्वाइन करने के पहले और ज्वाइन करने के बाद लायंस क्लब में। तो इन लोगों जो आपका जो सोशल वर्क जो सीमित था अभी वही मैं ज्यादा एक्टिविटीज करने लगा। ये लोगों ने मिलके मुझे 5-6 जन ने मिलके मुझे सिखाया कि आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे ओल्ड एज होम में मैं हर बरसी के टाइम में वही ओल्ड एज होम में जाता था, तो इन लोगों ने 4-5 और मुझे दिए जो और बुरे परिस्थिति में है, पानी में रह रहे हैं, लीकेज है, तो इन लोगों को पता हुआ करता था। और ये लायंस क्लब का ब्रांड बताते थे तो लोग इनको इनवाइट करते थे कि आप आइए हमारे पास, वो सीरियसनेस आ गया। तो ये फर्क है पहले और बाद में। मैं वही पैसे आज भी डाल रहा हूँ पर आज 4 के बदले में 40 चीजें कर पा रहा हूँ। ये सिर्फ लायंस क्लब के वजह से हुआ। पहले 4 ही करते थे। मित्रा जी, हाल ही में मैंने एक न्यूज पढ़ा, उसमें आपने सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन अलग अलग स्कूलों में दिया है, वो क्या प्रोजेक्ट था, वो जानने में हमें खुशी होगी। अभी जैसे ये जग जाहिर सच है कि लड़की 12 या 13 साल का हो गया तो उनका एक नेचुरल प्रोसेस शुरू होता है पीरियड्स का, तो मंदिर में नहीं जाने देना, उनको घर में अकेला करके रखना, 5 दिन स्कूल मिस कर देना, नौकरी छोड़ देना, तो ये सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हम लोग ऑब्जर्व करते थे। हमारे भी मम्मी बहने, मामा की लड़कियां, काका के लड़कियां, हमारे कजन, सबको हम लोग देखते थे ये ट्रबल्स है। तो ऑफ लेट 2-3 साल से ये मैटर खुलने लगा। लड़कियां पहले शर्माती थी तो अभी अपने मम्मी पापा से बात करने लगे, अपने दोस्तों से बात करने लगे कि ऐसा ऐसा है। जो फिट रहते वो स्कूल में मिस करते थे क्योंकि वहां पे उनके पास सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे या मेडिकल शॉप्स नहीं होते थे। तो मैंने और मेरे लायंस क्लब के सीनियर्स हैं, जोशी जी, कनक लता जी, लोरेन जी और अपने कुंतल जी और कुंतल लड्डा जी, ये सब ने मिलके हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा मशीन्स ढूंढा जाए, कंपनीज जो बनाती है वो मशीन ही हम स्कूल और इंस्टीट्यूशंस में इंस्टॉल करें और पैड्स भी सप्लाई करें, ताकि लड़कियों को जो विस्पर, स्टे फ्री, ये सब 50-60 रुपए में मिल रहा है, वो 3-4 रुपए का, 5 रुपए का कॉइन डाल के जगह पे ही सैनिटरी पैड मिले इमरजेंसी में 24 घंटे, चाहे वो ऑफिस में हो, हॉस्पिटल में हो, पुलिस स्टेशन में हो या स्कूल कॉलेजेस में हो। तो ये मुहिम हमने पिछले 4 महीने से स्टार्ट किया हुआ है। आपका सोशल वर्क ये अच्छा है कि आपने जो आदिवासी लड़कियां रहती है, जो निचला स्तर है समाज का, वहां भी आप पहुंचे हैं, वहां पे पहुंचे हैं। हम लोग आदिवासी और ट्राइबल एरियाज में, इसका श्रेय मेनली जाता है हमारे सीनियर श्रीपद जोशी जी को। अच्छा। वो पिछले 6 साल से ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं, वो अकेले ही पहले दौड़ते थे। वहां पे शाहपुर में और करजत में ऐसे ट्राइबल एरियाज है और स्कूल्स है जहाँ पे बस नहीं जाता है, जहाँ पे बैलगाड़ी भी नहीं जा पाएगा, बच्चे वहां पे 10 किलोमीटर 1 वे पैदल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और एक बार पहुंच गए लड़कियां वहां पे, देयर इज नथिंग, मतलब वहां पे कुछ नहीं है। तो वहां तक हम पहुंचे, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, टेक्स्ट बुक, स्कूल के यूनिफॉर्म, स्कूल के बैग्स डोनेट किए और वहां के लड़कियों को ये सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हम लोग देना चालू किए। हाल फिलहाल में हमने अभी तक कुल मिला के 18,000 पैड और 16 मशीन टोटली हमने इंस्टॉल किए हैं 4 महीने में। हमारा प्लानिंग है मार्च तक के 50 मशीन कवर करने का और कम से कम 70 इंटीरियर एरियाज जो है आज मुंबई के आसपास, वहां पे पूरा कवरेज हम लोग करेंगे अगले 6 महीने में। आपने वाशी, करजत और पालघर में भी कुछ सोशल प्रोजेक्ट किए हैं, वो क्या प्रोजेक्ट है? उसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्कूल यूनिफॉर्म्स,
करजत में दो तीन स्कूलों में बच्चों के लिए स्कूल के बेंचेस, रेस्ट रूम में हाथ धोने के और सैनिटाइजर, सैनिटरी नैपकिन्स और ये सब प्रकल्प चला है, टॉवल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, नोटबुक, पेन, पेंसिल, टेक्स्ट बुक ये सारे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बेंचेस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट था, इनको अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए रेनी सीजन में, रेनकोट्स प्रोवाइड किए रेनी सीजन में, और ये सारे चीजें हमने कोई ब्रांडिंग में नहीं किया, हमने सिर्फ हमारे बैनर लगाए और लोगों को वही चीज बांटा जो कंपनी से डायरेक्ट आया। हमने कोई लायंस क्लब का ब्रांड नहीं चिपकाया उसमें, बराबर बराबर, कि लोगों को वो बार बार क्लिक करे, बस हमको वो इवेंट करना था, हम सबको, जोशी जी को, मुझे, ज्योति जी, लोरेन जी, कनकलता जी को, तो हमने मिलके ये सारी चीजें की है वहां पे। सैनिटरी नैपकिन की आपने जो बात की कि वहां यहां वहां वो गिरना नहीं चाहिए, लड़कियों को शर्म आती है इसलिए वो सही जगह पे गिरे, तो स्वच्छ भारत जो अभियान है उससे भी आप ये वर्क से जुड़े हुए हैं, क्या बताइए? स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू सबसे पहले ये सैनिटरी पैड यूज होने के बाद इधर उधर फेंक देते हैं या प्लास्टिक में स्टोर करके फेंक देते हैं, पानी के ड्रेन्स में वो क्लॉग हो जाता है, ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो हम लोग ये सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉयर दे रहे हैं। लड़कियां जब रिप्लेस करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो उनको ये पैड्स डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मशीन दिया जाएगा जो वहीं पे डिस्ट्रॉय करके एशेस बना के वो पानी में डिजॉल्व होके निकल जाता है, मतलब वो ट्रे में पूरा राख बन जाता है। ये एक माध्यम से हम लोग स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं। इसी के अंतर्गत प्लास्टिक बैन हुआ है, इसी का एक एक्सटेंशन था वो, तो प्लास्टिक बैन के बदले में हम लोगों ने लायंस क्लब का अप्रूव्ड मटेरियल से काफी स्ट्रॉन्ग बैग प्रिंट किया है, 5000 बैग, जिसमें से अभी तक 2500 बैग पूरे मार्केट में जगह जगह खड़े होके हमने बांटे हैं, 3 एपीएमसीज में, छोटे बड़े मार्केट्स में, अभी आज और 1000 बैग हमने बांटे हैं हर नवरात्रि के पंडाल में, कुरला से लेके कोलाबा तक, टोटल मिला के 16 पंडाल में 1000 बैग बांटे गए हैं। तो ये एक तरह से हम लोग खुद ही बगैर गवर्नमेंट का कोई फंड लिए, ग्रांट दिए, इसके लिए हमने करीब करीब 5 लाख रुपए खर्चा करके 5 से 8 हजार बैग्स प्रिंट कराए हैं, और जगह जगह लोगों को खड़ी होके बैग देने के पहले हम लोग बोलते हैं कि जो हाथ में प्लास्टिक है उसको फेंको और ये बैग यूज करो, और हम लोग फ्री में बांट रही है। हम लोगों ने आज तक एक भी बैग बेचा नहीं है, क्लब के फंड से हमने बैग प्रिंट करवाया लायंस क्लब का लोगो, और वो जगह जगह बांट के हम लोग अभी तक 2500 बैग्स, मतलब करीब 2500 लोगों को आज पता है कि प्लास्टिक नहीं यूज करना, वो बैग्स यूज करना, और फ्यूचर में भी ऐसे और स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान का। और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके? अभी हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट ये रहेगा कि मेरे बतौर सीए एक क्लाइंट है जो कि हॉस्पिटल रन कर रहे हैं दीवा में और दावड़ी डोंबिवली में, डोंबिवली एमआईडीसी है वहां पे, तो वो करीब काफी लो कॉस्ट हॉस्पिटल है, 100 रुपए 150 रुपए, वहां पे डॉक्टर्स का पैसा नहीं लेते, सिर्फ मेडिसिन आप लेके आओ हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे हॉस्पिटल से। तो अभी मार्च के अंदर ऐसे दो जगह है, लायंस क्लब ऑफ नवी मुंबई डायमंड्स, जोशी जी, लोरेन जी, ज्योति जी है, इन सब के मदद से हम लोग एक एक वार्ड ले रहे हैं जिसमें 20-20 बेड्स होगा, वो वार्ड में जो पेशेंट एडमिट होगा उससे कोई कंसल्टेंसी, कोई मेडिकल कंसल्टेंसी या कोई जेनरिक मेडिसिन का पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ जो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है सिर्फ उसी का पैसा लेके उसका बाकी पूरा इलाज मुफ्त करेंगे। वो लायंस क्लब ऑफ नवी मुंबई का नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा। एक एक रूम जिसमें 20-20 पेशेंट एडमिट हो वहां पर लायंस क्लब का बोर्ड लगा रहेगा, और हमारे अप्रूवल से जो वहां पे एडमिट होगा उसको ये कम से कम जो 100 रुपए लग रहा है 20 रुपए में ट्रीटमेंट होके निकल जाएगा, और जो जेनरिक मेडिसिन है जैसे कॉम्बिफ्लेम हो गया, सेरिडॉन हो गया, ऐसे जो मलेरिया के लगते हैं वो सारे मेडिसिन हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। सर जो लीगल क्लब है वो क्या संकल्पना है? जी,
हमने जैसे जैसे मैं लायंस क्लब ज्वाइन किया 2-2.5 साल में, और आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा कि लोगों के साथ चीटिंग हो रहा है, गरीब लोगों के साथ, विलेजेस के साथ, 20 लाख में घर, माड़ा में 50 लाख में घर, ये सबके चक्कर में चीटिंग हो रहा है। बिल्डर्स नए नए स्कीम्स ला रहे हैं, छोटे मोटे बिल्डर्स पैसे लूट के ले जा रहे हैं, और लोग कोर्ट भी नहीं जा पा रहे हैं, ना वो वकील अफोर्ड कर पा रहे हैं फीस के कारण। एक वकील का फीस नॉर्मली 20-30-40-50 हज़ार भी हो सकता है, जितना बड़ा वकील उतना बड़ा फीस। तो ये हम लोगों ने मिलके सोचा कि इस एरिया में हम लोग पब्लिक को कुछ कर सकते, क्योंकि ये नेवर एंडिंग है, ये चीटिंग हमेशा ही होने वाला है जब तक रियल एस्टेट का बिजनेस है वर्ल्ड में। तो हमने एक नया क्लब का संचालन किया, लायंस क्लब ऑफ नवी मुंबई लीगल, जिसमें मीडियम से बड़े बड़े वकील है जो कि मुफ्त सलाह देंगे लोगों को, या प्रॉपर्टी जिसको खरीदना है वो हमारे पास आए, वो वकीलों से सलाह लें, सेल डीड और सर्च उनसे करवाए, और फिर फ्लैट का बुकिंग करें और फिर आगे बढ़े। उसके बाद भी अगर वो कुछ गड़बड़ निकलता है तो यही वकील लोग कोर्ट में पेशी करेंगे फ्री में, उनको गरीब लोगों को सलाह देंगे, मशवरा देंगे, और कोर्ट में केसेस लड़ेंगे। वकील लोगों ने क्लब लॉन्चिंग के वक्त, जो 1 सितंबर में, उन्होंने एक नया चीज और लेके आया है। भारत के जेलों में, खास करके आर्थर रोड, तलोजा, थाने में करीब ऐसे 5,000 व्यक्ति है जो छोटे मोटे पॉकेट मार रहे हैं, 2-4 झापड़ मार दिए, ऐसे लोग हैं जो 2,000 नहीं भर पा रहे, सजा खत्म हो गई, अंदर ही सड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बाहर निकालना, या तो गवर्नमेंट के मदद से, या वो 1,000 रुपए 5,000 रुपए बेल बॉन्ड भर के, या सजा खत्म होने के बाद जो पेनल्टी लगता है वो पेनल्टी भर के, ऐसे जो जेन्युइन लोग हैं, ऐसे 4 से 5 हज़ार लोग आज जेल में बंद हैं। तो ये वकील लोगों का सुझाव था ये हमारे मुहिम के बाद, कि वो लोग इस कार्य में भी अलग से वो लोग खुद इनिशिएटिव लेके लोगों का मदद करेंगे। मैत्रेय जी, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। थैंक यू। एक आपका भी धन्यवाद कि आपके कवरेज के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि लायंस क्लब ऑफ नवी मुंबई डायमंड्स क्या क्या कार्य कर रही है। हमारे ऊपर हाथ है हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर केजे पॉल साहब का, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मानेश्वर नाइक जी का, सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राकेश चौमल जी का, रीजनल चेयरपर्सन उषा तलवार जी है, जोनल चेयरपर्सन भावना रुहिया मैडम है, और हमारे क्लब के सीनियर्स हैं श्रीपद जोशी जी, ज्योति नार्वेकर जी, लोरेन डिसूजा, कनकलता तिवारी जी, शैलेश कंड है, राजेश पेडनेकर है, बंसीलाल जी है, प्रभाकर जी है। ये सबके सहयोग से हम उम्मीद करते हैं कि हम और भी कार्य कर पाए आगे आने वाले समय में। धन्यवाद।